हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे स्पेशल चीज़ जो है खीर और ढोकली, जो राजस्थान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चीनी ली है, उसको पिघला लिया अच्छे से, और इसकी जैसे कैरेमल बनने लगे हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने देंगे फ्रेंड्स अच्छे से। जैसे ये बॉयल हो जाए, हमने राइस धो के रख लिए हैं, इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे सिम पे। और तब तक हमने चीनी ली है, मतलब गुड़ लिया है जो बारीक होता है, उसको उसमें पानी ऐड करेंगे और उससे हम आटा गूंदेंगे। आटे में मैंने सौंफ ऐड की है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और हम लोई बना लेंगे, जो नॉर्मल रोटी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी लोई, और उसमें बीच में एक खड्डा कर देंगे। और तब तक हम खीर में चीनी ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे एंड मिल्क पाउडर ऐड किया है फ्रेंड्स मैंने, जिससे कि वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और लास्ट में हम केसर ऐड करके खीर को हम साइड पे रख लेंगे। तब तक हम स्टीम होने के लिए पानी बॉईल होने रखेंगे और हम इडली वाला जो कुकर होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम ग्रीस कर लेंगे और उसमें हम एक एक ढोकली रख लेंगे और हम 15 मिनट के लिए इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और जैसे ये स्टीम हो जाए तो हम इसको चेक कर लेंगे एक बार कि ये पकी है कि नहीं। जैसे ये पक जाए फ्रेंड्स, अब हम इसको एंजॉय करेंगे। ये राजस्थान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स। एंजॉय, बाय।